नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जूतों के स्टोर के बिजनेस के बारे में और जानेंगे कि आप जूतों का स्टोर कैसे ओपन कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास कितने इन्वेस्टमेंट होने चाहिए और कितना स्पेस होना चाहिए, यानी आपके पास कितनी बड़ी शॉप होनी चाहिए और आपको इसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। और दोस्तों, साथ ये भी जानेंगे कि यदि आप जूतों का स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या फिर आपको सस्ते रेट पर जूते कहाँ से मिलेंगे और आपको इस बिजनेस के अंदर पर प्रोडक्ट के हिसाब से कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा या फिर आप प्रति महीना कितना रुपए इसके अंदर कमा सकते हैं, ये सब बात जानेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे जूतों के स्टोर के बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, जूतों के स्टोर के बिजनेस की बात करें तो ये बिजनेस एक सदाबहार चलने वाला प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि दोस्तों जूते ड्रेस का एक जरूरी पार्ट होता है और जूतों के बिना ड्रेस प्रॉपर नहीं होती, इसलिए हम अलग अलग क्वालिटी के और अलग अलग तरह के जूते पहनते हैं, जैसे स्पोर्ट्स शू, फॉर्मल शू, ऐसे बहुत से प्रकार के जूते आज मार्केट के अंदर अवेलेबल है। और दोस्तों, आज इनकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि आज बहुत सी कंपनियां हैं जो जूतों का प्रोडक्शन करती हैं और कंपनियों ने करोड़ों रुपए का कारोबार जमा रखा है और आने वाले समय में दोस्तों इसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों वैसे तो ये बिजनेस पहले सर्दियों के अंदर चलता था लेकिन आज के समय में गर्मी हो सर्दी हो सभी जूते डालना पसंद करते हैं और जूतों की इतनी ज़्यादा डिमांड है और आने वाले समय में दोस्तों इनकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जूतों की डिमांड बढ़ेगी और इनका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, कोई भी पर्सन यदि अपना एक छोटा सा बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहता है तो वह जूतों का स्टोर ओपन कर सकता है और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकता है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों जी, आप जूतों का स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों जी, रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपके पास अपने जूतों के स्टोर के अकॉर्डिंग यानी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और आपके पास एक शॉप होनी चाहिए। इसके साथ आपके पास अपनी शॉप का GST नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और आपके पास एक या दो वर्कर होने चाहिए। इसके साथ आपकी शॉप के अंदर अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों के साथ दोस्तों आप एक अच्छा सा जूतों का स्टोर ओपन कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों जी, आप जूतों का स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों जी, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस और आपकी शॉप के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि दोस्तों जी आपके पास खुद की शॉप है तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और यदि आप एक शॉप किराए पर लेंगे या फिर खरीदेंगे तो आपको इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और दूसरी बात दोस्तों बिजनेस की, तो दोस्तों जी आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर कंपनी का शोरूम ओपन करते हैं तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और यदि आप अपना एक खुद का जूतों का स्टोर ओपन करते हैं छोटे लेवल पर तो आपको इसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। दोस्तों, इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगी कि आपको इस बिजनेस के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों जी, आपके पास खुद की शॉप है और आप एक खुद का छोटा सा स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आपको शॉप के अंदर इंटीरियर सेट करवाना पड़ता है, जिसके लिए आपको 50,000 रुपये से 80,000 रुपये के बीच खर्चा करना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपनी शॉप के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है और अच्छा खासा स्टॉक खरीदना है। इन सब चीज़ों को मिलाकर दोस्तों जी, आपके पास लगभग 3 से 5 लाख रुपये है तो आप एक अच्छा सा जूतों का स्टोर ओपन कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें यदि आप जूतों का एक शोरूम ओपन करना चाहते हैं किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर या फिर खुद का एक शोरूम ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको लगभग 20 से 40 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तब भी आप एक अच्छा सा जूतों का शोरूम ओपन कर सकते हैं और ब्रांडेड जूते सेल करके अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों जी, आप जूतों का स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों जी, स्पेस की बात करें तो स्पेस आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि दोस्तों जी आप एक छोटा सा जूतों का स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आप 200 से 250 स्क्वायर फीट की शॉप के अंदर भी एक अच्छा सा जूतों का स्टोर ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जी, आप एक अच्छा सा शोरूम ओपन करना चाहते हैं जूतों का तो आप 200 से 400 स्क्वायर फीट की शॉप के अंदर एक अच्छा सा शोरूम ओपन कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों जी, आप जूतों का स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी या फिर आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो दोस्तों जी, आप जूतों का स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास अपने बिजनेस का GST नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, तभी आप जूतों का स्टोर ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें, आपको GST नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर बनवाने के लिए आपके पास अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आपके पास अपनी ID प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए और आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। इसके साथ आपके पास
पास अपने इनकम का प्रूफ होना चाहिए और आपके पास अपना बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की पासबुक होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपके पास अपने फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ दोस्तों आप अपने जूतों के स्टोर के लिए जीएसटी नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर बनवा सकते हैं और एक अच्छा सा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आप जूतों की शॉप ओपन करना चाहते हैं यानी शू स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सस्ते रेट पर जूते कहाँ से मिलेंगे? तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप सस्ते रेट पर जूते खरीदना चाहते हैं तो आप इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, इन सिटी की होलसेल मार्केट से कॉन्टैक्ट करें। दोस्तों इन सिटी के अंदर बहुत सारी होलसेल मार्केट है जहाँ पर आपको बहुत ही सस्ते रेट पर सभी प्रकार के जूते मिल जाएंगे। वहाँ आपको ब्रांडेड जूते मिलेंगे, लोकल जूते मिलेंगे और कॉपी और फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, ऐसे बहुत से प्रकार के आपको जूते वहाँ पर मिल जाएंगे। आप दोस्तों उन होलसेल मार्केट के डीलर से कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको वहाँ से सस्ते रेट पर जूते मिल जाएंगे। दोस्तों यदि दिल्ली की मार्केट की बात करें तो दिल्ली के अंदर दोस्तों चांदनी चौक मार्केट या फिर टैंक रोड मार्केट, पालिका बाजार या फिर चप्पल वाली गली, सदर बाजार, ऐसी बहुत सी मार्केट है जहाँ पर आपको सस्ते रेट पर सभी प्रकार के जूते मिल जाएंगे। दोस्तों हम आपको कुछ अच्छे डीलर के या फिर शॉप के कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से आप उन शॉप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यानी होलसेलर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सस्ते रेट पर जूते खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, इन सिटी की होलसेल मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। दोस्तों वेबसाइट के ऊपर आपको सभी सिटी की होलसेल मार्केट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। अब बात करें दोस्तों, आप जूतों की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस के अंदर कितने परसेंट तक प्रॉफिट मार्जिन होगा या फिर आप प्रति महीना इसके अंदर कितने रुपए कमा सकते हैं? तो दोस्तों यदि प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इस बिजनेस के अंदर आपको पर प्रोडक्ट के हिसाब से आराम से 30-40% तक प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब आप दिल्ली की मार्केट से प्रोडक्ट खरीदेंगे तो दोस्तों आपको वहाँ पर बहुत ही सस्ते रेट पर बल्क में प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आप सेकंड कॉपी खरीद सकते हैं, फर्स्ट कॉपी खरीद सकते हैं, लोकल जूते खरीद सकते हैं और आप ब्रांडेड शूज़ भी खरीद सकते हैं। सभी प्रकार के जूते मिल जाएंगे, आप वहाँ से सभी प्रकार के जूते खरीद कर और अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई आप इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप प्रति महीने इसके अंदर कमाई के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। दोस्तों हमने वेबसाइट के ऊपर आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि आपको इस बिजनेस के अंदर प्रति महीना कितनी कमाई हो सकती है या फिर आपको कितना खर्चा किस चीज़ के ऊपर करना पड़ेगा। पूरी प्रोसेस दोस्तों हमने वेबसाइट के ऊपर दी है, आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप जूतों की शॉप ओपन कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों आप इस बिजनेस के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस, फ्रेंचाइजी या फिर योजना संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।